प्रोग्राम का अवसर आवाज इंशाल्लाह हम मुख्तार से शुरू करेंगे। इसके लिए मैं अब्दुल मुफीद को दावत देती हूँ कि आए और कलाम का अदब ये है कि बस वो अदब से सुना जाए, बातचीत इस दौरान ना हो, क्योंकि उसकी बेअदबी है। क्योंकि कलाम जो है अल्लाह का पढ़ा जाता है, ये मेरा और आपका कलाम नहीं है। अदब जितना करेंगे तालीम उतनी आएगी, अदब अगर नहीं करेंगे तो तालीम नहीं आएगी। इल्म आता अदब से। चार चीजों का जब हम अदब करेंगे तो तब जाके बंदे के अंदर इल्म आता। पहला क्या है भाई, पहले उस्ताद है। उस्ताद का अदब अगर नहीं करेंगे, उस्ताद की गीबत करेंगे, उस्ताद की चुगली करेंगे, उस्तादों के नाम रखेंगे, इससे इल्म हासिल नहीं होता, इससे तालीम नहीं आती। एक तो उस्ताद का अदब हुआ, दूसरा जो है किताब का अदब करना है, इसी तरीके से बेंच का अदब करना है, जमात का अदब करना है, कलम का अदब करना है। जिस चीजों से हम इल्म हासिल कर रहे हैं उन चीजों का अगर हम अदब करेंगे तो तब जाके हमारे अंदर तालीम आएंगी, इल्म आएगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से कि भाई खामोशी का मुजाहिरा करेंगे और तवज्जो से सुनेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. मैं नाक के लिए सदक और उज़्मा को दावत देती हूँ। उज़्मा तंकी अलग अलग है तो सदक आ जाए।
عالم ہی ناخوش کہ میں زہر الہی کو کبھی کہہ نہ سکا ہوں. اپنے ہی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر الہی کو کبھی کہہ نہ سکا غم. بس سب کچھ چھپ کر کرتے ہیں تدبیر اسے کہتے ہیں, بس سب کچھ چھپ کر کرتے ہیں تدبیر اسے کہتے ہیں, اور ہم دھر لیے جاتے ہیں تقدیر اسے کہتے ہیں. نعت سرکار کی پڑھتی ہوں میں, بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا, ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا. رنج غم میں بس سینہ سے راحت ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی, یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی. خبر کا خوف نہ رکھنا ہے اے دل, اے دل خبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل. وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتی ہوں میں, بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. کبھی آسی کبھی طہٰ کبھی ولایا, کبھی آسی کبھی طہٰ کبھی ولایا. جن کی قسم میرا رب کھاتا ہے, اتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتی ہوں میں, بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا, حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا. زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے, پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتی ہوں میں, بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. نعت سرکار. Respected faculty members, dear students, as you know that today we are celebrating the National Education Day. 11th November, Government of India decided to celebrate the first Education Minister Abul Kalam Azad's birthday as the National Education Day. So today our student
Arbaaz is playing the role of Maulana Abul Kalam Azad and he will describe his own life history. अबुल कलाम आजाद का जो जिंदगी के हालात हैं, वो जो है अरबाज अबुल कलाम आजाद की शक्ल में हमारे सामने पेश हो रहे हैं। यकीन कीजिए कि आज की तारीख में अबुल कलाम आजाद जिंदा होते तो वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद को देखकर उनके तासुरात क्या है। तो आप लोग तालियों की गूंज में अबुल कलाम आजाद का वेलकम कीजिए। अबुल कलाम आजाद का जो आजाद हिंदुस्तान के पहले जज़्बे पानी चाहते थे, जो बहुत बड़े ग्रेट फाइटर फाइटर भी थे, बहुत बड़े उपसी उनका क्या कहेंगे बुढ़ा पीर। तो इंशाल्लाह आप आज के अबुल कलाम आजाद को सुनेंगे। शहर हसीन पर तशरीफ फरमा, फोटो नहीं, प्रिंसिपल साहब और हमारे देश का मुस्तकबिल संवारने वाले असातिज़ा साहिबान और मेरे देश का मुस्तकबिल, मेरे देश की तरक्की, मेरे नौजवान दोस्तों और मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहियुद्दीन अब्दुल कलाम आपसे मुखातिब हूँ। इधर कुछ साल से मेरी याद में यौम पैदाइश पर कौम यौम तालीम के उन्वान से हिंदुस्तान और दुनिया के दिगर ममालिक में तकारीब का अहतमाम किया जा रहा है। दुनिया से गुजर जाने के बाद एक आदिम के बारे में आप लोगों के जज्बे को देख कर मेरा दिल नहीं माना और मैं आप अपने यौम पैदाइश पर आपसे मुलाकात करने और आपसे अपने दिले हाल सुनाने के लिए चला आया। अब तो दुनिया में काफी तरक्की हो गई है, अजीम तर हिंदुस्तान काफी तरक्की याफ्ता लग रहा है। लोगों के पास बात करने को सेलफोन है, इंटरनेट ने दूरी गुर्बतों में बदल दी है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, लोगों के पास सफर के लिए आरामदायक कीमती गाड़ियां आ रही है और शहर कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। रात के वक्त रोशनियों को देखकर दिन सा गुमा हो रहा है। माजी तरक्की तो ख्वाब है लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इतनी सारी माजी तरक्की के बावजूद लोगों ने अपनी तारीख नहीं भूली और अपने इस्लाम के कारनामों को याद करते हुए इनसे रोशनी हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। ये बड़ी खुशनुमा बात है के लोगों ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाने के लिए जद्दोजहद करने वालों और वतन के लिए बड़ी कुर्बानियों देने वालों को नहीं भुलाया। मैं बाबा खां महात्मा गांधी और मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू का दोस्त अब्दुल कलाम हूँ। जब मुल्क आजाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुझसे कहा था कि मौलाना आप तालीम के मैदान में नुमाया कारनामे अंजाम दिए हैं, इस मुल्क के नौजवानों को अच्छी तालीम के जेवर से आरास्ता करना है और मुल्क में म्यारी तालीम का ढांचा तैयार करना है, इसलिए आप इस मुल्क के वजीर तालीम की जिम्मेदारी संभाले। मुझे खुशी और तालीम की तरक्की के प्रोग्राम शुरू करें, मैं ना चाहते हुए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं टाल सका और मुल्क का वजीर तालीम बन गया। मुझे खुशी है कि हर साल 11 नवम्बर को मेरे यौम पैदाइश को आप लोग कौम यौम तालीम मना रही हैं और इस जमन में आगे भी जलसे और सेमिनार कर रही हैं। इस मौके पर मैं खुद अपने हालात जिंदगी आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं अब्दुल कलाम आजाद हूँ। मेरा नाम मोहियुद्दीन अहमद है। मेरे वालिद का नाम मौलाना खैरुद्दीन और वालिदा का नाम आमिना था। 1857 के हालात के बाद मेरे वालिद ने मक्का मुअज्जमा को नकल मुकाम किया। मेरी पैदाइश 11 नवंबर 1888 को मुसलमानों के मुकद्दस शहर मक्का मुअज्जमा में हुई। ये वो शहर है जहां अल्लाह का घर खाना काबा है, जिसको हज के लिए हर जगह से लाखों मुसलमान चप्पे चप्पे से यहां आते हैं। मेरी तालीम व तरबियत में मेरे वालिद ने अहम रोल अदा किया।
पाँच साल की उम्र में धर्म शरीफ में मेरी बिस्मिल्लाह खानी हुई। इस तरह मेरी पढ़ाई का आगाज मुकद्दस मुकाम से हुआ। मेरे वालिद मौलाना खैरुद्दीन बहुत बड़े आलिम थे। इन्हें देख कर मैं भी अक्सर घर पर मौलाना बनने की खेल करता था। मेरी वालिदा ने बचपन में मुझे अच्छे अखलाक सिखाए। एक दिन मैंने अपने वालिद के दोस्त को गंदा आदमी कहा तो मेरी वालिदा ने मुझसे कहा कि गंदा मत कहो, हो सकता है खुदा की नजर में वो हमसे अच्छा हो। जब मेरी उम्र 10 साल की हुई तो मैं अपने घर वालों के साथ कोलकाता हिंदुस्तान चला आया। घर पर वालिद साहब ने मुझे तालीम दी। मुझे मुताले का शौक था, हर सबक समझ कर पढ़ता था। वालिद साहब ने अरबी फारसी पढ़ाई। जब वो बीमार हो गए तो उन्होंने मेरे उस्ताद का इंतजाम करवाया, जिनसे मैंने फलसफा, रियाजी, अलजिबरा, इस्लामियात और दूसरे मजामीन पढ़े। इस तालीम व तरबियत का ये नतीजा निकला कि मैंने 16 साल की उम्र में दूसरों को पढ़ाने के काबिल बन गया। मुझे जेब खर्च के लिए जो पैसे मिलते थे इससे मैं किताबें खरीदा करता था और पढ़ता था। यही वजह है कि मुझे बचपन से शेर कहने और मजामीन लिखने का शौक हो गया। मेरे एक दोस्त अब्दुल वाहिद शायर थे, उन्होंने मेरा तखल्लुस आजाद रखा। इस तरह इस वक्त से मेरे नाम के साथ आजाद तखल्लुस भी शामिल हो गया। जब मेरी उम्र 12 साल हुई तो मैंने नरेंग आजम नाम से शायरी की किताब गुलदस्ता शुरू की। 1900 में मैंने अल मुस्बाह के नाम से अखबार जारी किया। 1902 में रिसाला लिसानुल सिद्दीक शुरू किया। 1904 में लाहौर में अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में तकरीर की। इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। अपने भाई के साथ इराक का सफर किया। 1900 वापस आकर अल हिलाल अल बला रिसाले निकाले, जिसमें मैंने बहुत संभाला तो हिंदुस्तान में आजादी के उसूल की तहरीक चल रही थी। कांग्रेस बड़ी पार्टी थी जो मुल्क की आजादी की तहरीक चला रही थी। गांधी जी के कहने पर मुझे कांग्रेस का सदर बनाया गया। मैंने अपनी तकरीर में अंग्रेजों से कह दिया कि जब तक हमें आजादी नहीं मिलती हम अंग्रेज फौज की तरफ से दुनिया में होने वाले जंगों में नहीं लड़ेंगे। अंग्रेजों हिंदुओं और मुसलमानों में फिरका पैदा कर रहे थे, जब हिंदू और मुसलमान इस मुल्क का अहम हिस्सा रहे हैं। मुझे जदीद आजादी के दौरान अपने ही लोगों से परेशानी उठानी पड़ी। मैं चाहता था मुसलमान इसी मुल्क का हिस्सा बने रहें, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरों ने मुस्लिम लीग कायम कर ली और लाहौर के जलसे में हिंदुस्तान की आजादी के मुतालबे के साथ मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क पाकिस्तान का कयाम तहरीक शुरू की। इस वक्त अंग्रेज मुल्क के बड़े लीडरों को जेल में डाल रहे थे। मुझे भी गांधी जी और नेहरू जी के साथ जेल में डाला गया। मुझे 6 मरतबा जेल जाना पड़ा। आखिरी मरतबा मुझे हरमनगर जेल में रखा गया। हमें जेल में दुनिया की कुछ खबरें नहीं होती थी। मैं जेल में खयाम के मौके गनीमत जानकर तसनीफ और तालीफ में वक्त गुजारने लगा। जेल में अपनी चाय खुद बनाकर पीता था। मेरे जेल में खयाम के दौरान ही मेरी अलील बीवी जुलेखा बेगम का इंतकाल हो गया। जेल से रिहाई के बाद आजादी की लड़ाई तेज हो गई। पूरी हुकूमत बनाई गई। 15 जनवरी 1947 को मुझे वजीर तालीम बनाया गया ताकि हिंदुस्तान में तालीम के शोबे में तब्दीलियां लाई जा सके। इस आखिरी वक्त तक मुल्क की तकसीम का मुखालिफ रहा, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कुछ ऐसे कायदीन जिन्होंने मुल्क की तकसीम को मान लिया। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ, लेकिन मुल्क तकसीम हो गया, जिसका मुझे अफसोस रहा है। दिल्ली की जामे मस्जिद में मुसलमानों से तकरीर करते हुए मैंने कहा, पाकिस्तान जाने वालों गौर करो, ये हिजरत नहीं फरार है। अपने वतन को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ये हमारा मुल्क है। इस मुल्क के लिए हमने कितनी कुर्बानी दी है। आने वाले हालात से मत डरो। मेरे हौसला दिलाने से भी बहुत से मुसलमान मुल्क छोड़कर जाने से रुक गए। आजादी के बाद मुल्क में बदतरीन हिंदुओं मुस्लिम फिरकावार फसादात हुए, जिन्हें रोकने के लिए गांधी जी ने व्रत रखा।
मैंने इन्हें यकीन दिलाया कि अब और लड़ाई नहीं होगी। तब मेरे साथ मेरे हाथ से शरबत पीकर गांधी जी ने व्रत खत्म किया। मेरी जिंदगी का सबसे तकलीफ दा दिन 30 जनवरी 1948 का रहा, जब एक दरिंदा सिफत इंसान ने मुल्क की आजादी दिलाने वाले इंसान को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया और उन्हें गोली मार कर शहीद कर दिया। मुल्क को आजादी दिलाने वाले कई अंजाम शायद हिंदुस्तान की तारीख को यही मंजूर था। गांधी जी ने आदम तशद्दुद की लड़ाई के जरिए जिस तरह हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, हर जमाने में मुसूल मुकद्दस के लिए एक पुरअमन तरीकेकार है। अब हमें मुल्क को तरक्की देने के लिए आगे की तरफ देखना चाहिए। मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित नेहरू ने अपनी काबिलियत से हिंदुस्तान की तरक्की राह पर नजर डालना शुरू किया। 5 साल मनसूबा पर अमल आवारी से मुख्तलिफ शोबों में हिंदुस्तान की तरक्की होती रही। मैंने 22 जनवरी 1958 तक बाहैसियत वजीर तालीम 11 साल खिदमत पेश किए। 1952 में रामपुर से और 1957 में हरियाणा के गुड़गांव से पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुआ। मैं पार्लियामेंट कांग्रेस का डिप्टी लीडर और वजीर आजम का मुशीर रहा। मैंने तालीम को तरक्की देने के लिए डॉक्टर तारा चंद्र हिमायू कबीर और डॉक्टर गुलाम सैयदीन जैसे माहरीन तालीम की खिदमत हासिल की। मेरे दौर में बच्चों के लिए बुनियादी तालीम को लाजमी करार दिया गया। सिकंदरी स्कूल खोले गए, सेकेंडरी स्कूल खोले गए, असातिज़ा के तकरार अमल में लाए गए, मौजूद बच्चों को खुसूसी तालीम दी गई। आला तालीम के फरोग के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कायम हुआ। आर्ट्स साइंस और तकनीकी तालीम पर तवज्जो दी गई। एकेडमियां कायम हुई और मुल्क की तालीमी तरक्की हासिल करता गया। आज मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान में तालीम के शोबे में काफी तरक्की हो गई है और सारी दुनिया में अपनी मियारी तालीम के सबब पसंद किया जा रहा है। खुदा ने मुझसे तासीफ और तालीम का कुछ काम लिया। तर्जमान कुरान के नाम से कुरान की तफसीर की 18 पारों का मुझसे हुआ। मैं चाहता हूँ कि कोई इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाए। मैंने जेल से जो खत हबीबुल रहमान शेरवानी को लिखे थे, इनकी अहलियत के पेश नजर वो गुब्बारे खातिर के नाम से शायर हुआ। मैंने एक किताब इंडिया फाइंस फ्रीडम लिखी, जिसके 30 सफ़े मेरी सफर के मुताबिक मेरे दुनिया से गुजरने के 30 साल बाद 1958 को खोले गए, जिसमें हिंदुस्तान से मुताल्लुक चंद अहम बातें मैंने लिखी थी। मैंने उर्दू जुबान में तालीम हासिल की और आजादी के बाद जब उर्दू पर बुरे हालात आए तो मैंने उर्दू को सरकारी जबान बनाने की कोशिश की। बहरहाल ये मेरी जिंदगी के कुछ हालात थे। ये दुनिया की एक अटल हकीकत है कि जो आता है उसे जाना जरूरी होता है। चुनाचे 22 फरवरी 1958 को सुबह 2 बजे मैं इस दार फानी से मुल्क अदम के लिए कूच किया। लाल किला और जामे मस्जिद के दरमियान तारीखी मैदान में मेरी आखिरी आराम गाह है। आज मुल्क 21वीं सदी में दाखिल हो गया और लोग नई जिंदगी से अमान होते हैं, तकाजों की तकमील में लगे हुए हैं। ऐसे हम हर साल मेरी पैदाइश यौम पैदाइश पर मेरी याद मनाई जा रही है, तो मैंने सोचा कि चलो अपने लोगों से बात करते हैं। मेरी आपसे आप लोगों से यही ख्वाहिश है कि खामोशी बनाए रखो मेरे नौजवानों। मेरी आप लोगों से यही ख्वाहिश है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, हमें ऐसे काम करना चाहिए जिनसे दूसरों को फायदा पहुंचे। आज भी हिंदुस्तान की तामीर के बहुत से काम बाकी है। यहाँ फिरका परस्ती का जहर नासूर बन गया है। हिंदुस्तान कसरत से वहीदत को कर रहा है। रिश्वत का बाजार गरम दिखाई दे रहा है। सियासत अखलाकी खतरों से नीचे गिर गई है। तालीम की तरक्की के बावजूद सामाजिक बुराइयां आम हैं। आज भी जहेज के नाम पर लड़कियां जलाई जा रही है। दौलतमंद अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है। वक्त की कदर करना, डिसिप्लिन से जिंदगी गुजारना जरूरी है। दुनिया की हर फिक्र और फलसफा अपने अंदर कमी रखता है। सिर्फ अल्लाह का दिया हुआ दीन है लोगों की हकीकी कामयाबी दामन है।
मजहब इस्लाम की तालीमात कयामत तक लोगों को दुनिया व आखिरत की भलाई का सामान है, इसलिए आप लोग इस्लामी इख्तदार को आम करने की फिक्र करें, खुद भी इस्लाम पर चलें और दूसरों को भी इसकी दावत दें, अपनाए वतन से अच्छे ताल्लुकात रखें। मुझे उम्मीद है कि गांधी जी इस देश में अदम तशद्दुद और प्यार मोहब्बत की फिजा हमेशा कायम रहेगी। हिंदुस्तान के हर बड़े शहर से कई आजाद पैदा होंगे और मुल्क को नई रोशनी फराहम करेंगे। अगर आपने याद किया अगले साल तो फिर आऊंगा और आपके साथ मिल बैठ कर कुछ बातें करूंगा। इसी के साथ एक शेर के साथ इख्तिताम करता हूँ। पूरे दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, पूरे दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। आप लोग दुआ ले सकते हैं जिन शख्सियत से मुकर्रम आजाद से, आप लोग दुआ ले लीजिए। आपके आप संजय को मैं Thank you.
అమ్మా నాన్న రెక్కలు అడితేనే బుక్కెడు భూవరా, వల రెక్కల కష్టపు సెమిట సుఖల ధరలు నీరురా, వల రెక్కల కష్టపు సెమిట సుఖల ధరలు నీరురా. ఉన్న రెండు ఎకరాలను కల్లా చూడలే, ఉన్న రెండు ఎకరాలను కల్లా చూడలే, మా నాన్న నగరి కట్టు బట్టి పొలమూదున్నలే. सर नकीम पर तशरीफ फरमा, आली जनाब सदर प्रिंसिपल साहब और असातिज़े किराम और मेरे अजीज साथियों, सलाम अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़-ए-जारी का मौका मिला है वो कौम-ए-तालीम, जो कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। आपकी पैदाइश 11 नवंबर 1888 ईस्वी में मक्के में हुई। उस वक्त उनके वालिद मक्के में रहते थे। उनका बचपने का नाम गुलाम मोहिउद्दीन हैदर था। वो अपने नाम के साथ गुलाम को बर्दाश्त ना कर सके, इसलिए इन्हें अपने नाम के साथ आजाद रख लिया। मौलाना आजाद में हिंदुस्तानी सोच पर फिकर कूट कूट कर भरी हुई थी। ये हमेशा हिंदू मुस्लिम के इतिहास के लिए कोशिशें करते रहे, जिसकी वजह से उनको अंग्रेजी हुकूमत के मुखालिफ बनना पड़ा। इसलिए वो 3 साल तक रायचूर जेल में रहे। गांधी जी के जरिए चलाए जाने वाले अदम ताबून तहरीक में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
1923 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सदस्य चुने गए। इन्हें अपनी तकरीर में कहा कि अगर हिंदू मुस्लिम तफरीक की हालत में हमें 24 घंटे में भी आज़ादी मिल जाती है तो हम उसको ठुकरा देंगे, क्योंकि मुल्क का इतिहाद उसकी आज़ादी से ज्यादा अहमियत रखता है। कौमी तहरीक में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बढ़कर हिस्सा लिया, इसलिए उन्हें कई मरतबा जेल जाना पड़ा। 22 फरवरी 1958 को इस बड़ी शख्सियत का इंतकाल हो गया, जिससे हिंदुस्तानी रंज व गम के समंदर में डूब गया। इसलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके उसूल हमेशा हमारी रहबरी करते रहेंगे। कुछ अशार कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मैं अपनी खत्म करता हूँ। अब नज़्म पेश करने के लिए तानिया तहसीन बीएससी से आए और अपनी नज़्म पेश तानिया। दिलों में अज़मत तालीम का जज्बा जगाते हैं, दिलों में अज़मत तालीम का जज्बा जगाते हैं। चलो तालीम की राहों से उस तक दिल सजाते हैं, दिलों में अजमत तालीम का जज्बा जगाते हैं। हरम से खूबसूरत जिंदगी तहरीर होती है, हरम से खूबसूरत जिंदगी तहरीर होती है, किताबों से हमारे ख्वाब की ताबीर होती है। मुअल्लिम की मदद से इल्म की कंदिल जलाते हैं, मुअल्लिम की मदद से इल्म की कंदिल जलाते हैं। चलो तालीम की राहों से उस तक दिल सजाते हैं, दिलों में अज़मत तालीम का जज्बा जगाते हैं। चराग़े दिल है ये तालीम फिक्रों का उजाला है, चराग़े दिल है ये तालीम का उजाला है, यही दस्तार इज्जत है, ये रास्ता नूर वाला है। इसी रास्ते से आओ मंजिलों का रुख बनाते हैं, इसी रास्ते से आओ मंजिलों का रुख बनाते हैं। चलो तालीम की राहों से उस तक दिल सजाते हैं, दिलों में अज़मत तालीम का जज्बा जगाते हैं। यही तालीम को मौके मुकद्दर का सितारा है, यही तालीम को मौके मुकद्दर
वतन के मकतब में अदब से दिल लगाते हैं। चलो तालीम की राहों से उस तक दिल सजाते हैं। दिलों में अजमत तालीम का जज्बा जगाते हैं। दिलों में अजमत तालीम का जज्बा जगाते हैं। सुशीला इंग्लिश में एजुकेशन डे के ऊपर स्पीक सीबीएसई फाइनल Good afternoon, everyone. Respected principal sir, lecturers, and my dear friends. Today we all have gathered here to celebrate the National Education Day, which is known as Rashtriya Shiksha Divas, to commemorate the birth anniversary of Maulana Abdul Kalam Azad. Maulana Abdul Kalam Azad was independent India's first education minister. He contributed to significantly laying to the foundation of India's education system. The entire nation honors his contribution of Azad on this day. It was established by the Ministry of Human Resources Development, Government of India. Government of India on September 11, 2008. The main aim of this day is to make people aware of selfless contributions of Azad, Maulana Azad to education society. National theme of 2002 of National Education Day is changing course, transforming education. Thank you one and all. Enter to learn and leave to serving. Thank you. Monica. చదువు గురించి చక్కటి పాట వినిపిస్తుంది వినండి. రమ్మంటున్నది చదువు నేర్పిన నీల నిన్ను పరుగు పరుగున కాపాడమన్నది సర్కారు బడి నిన్ను నిలుకన్న ఊరిలోన కమ్మనైనా పిలుపు అక్షరాన పలుకు గొంతులో దాగి ఉన్నా కమ్మనైనా పిలుపు అక్షరాన పలుకు గొంతులో దాగి ఉన్నా నీ భవిష్యత్తు దారిలే మిగిలి ఉన్న సక్షం మరిపోతు ఈ నేలనా నీ గుడి పొడి ఎడుగులోనే నిన్ను తనలోన నేర్చుకుంది నీ అక్షరాలయాదిలో పడిగడ్డ నానమై మోగుతుంది తరగతిలో ఉన్నప్పుడు జీవిత స్థితిగతిలో నేర్పుతుంది ప్రార్థన గీతమై దేశ భక్తిని చాటుతుంది పద్యాల పదమూడు ఆటల్లో గొంతులు విరపూసినా పద్యాల పదమూడు ఆటల్లో గొంతులు విరపూసినా కలిగా గురువునందరినీ గుర్తు తెచ్చుకునే చదువు నమ్మేమంటుంది చదువు నేర్పిన నీల నిన్ను పరుగు పరుగున కాపాడమంటుంది సర్కారు పడి నిన్ను నేను కన్న ఊరిలోన సమరీన్ బీకామ్ సే ఆయ ఉంది తఫిల్ షార్ట్ ఫిల్మ్ इंग्लिश आप की भी इंग्लिश वाले हैं बाजी साहब इसके लिए कौन है वो फारिया आगे जरा हाँ फारिया आइए सानिया तक भी इनकी नाजिया भाई हम क्यों तो है कि ऑनरेबल प्रिंसिपल रेस्पेक्टेड लेक्चर Principal sir, respected lecturers, and my dear friends, wish you a very happy National Education Day.
Today we have gathered here to celebrate National Education Day. Empowerment can be used as means of creating a social environment in which one can make discussion and make choice, either individual, collective, for social transformation. The empowerment strengthens the innate ability by way of acquiring knowledge, power and experience. Empowering women has become the focus of considerable discussion and attention all over the world. Today we enjoy the benefits of being citizen of every nation. The constitution of our nation does not discriminate between men and women. Thank you. समृद्ध में कम भी कम तैयार है ऑनरेबल प्रिंसिपल सर रिस्पेक्टेड लेक्चरर्स एंड माय डियर फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम गुड आफ्टरनून I am very happy to have the opportunity to express my thought on this special occasion. We celebrate Maulana Abul Kalam Azad's birthday as National Education Day every year. He was born 11 November 1888 in Makkah. His father named Muhammad Khairuddin. His mother named Amina Muhammad Khairuddin. He got his formal education at home. Arabic and Urdu. He was the first education minister of India. He joined the Indian National Congress 1920. He published a weekly newspaper in Urdu, now as Al Hilal Al Bilal. He got India's highest award, the Bharat Ratna, in 1992. His death. After his death. एजुकेशन जैसे मुद्दे इंग्लिश में ऑनरेबल प्रिंसिपल सर रेस्पेक्टेड मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आल लेक्चरर मैं गौरव अस्सलाम वालेकुम Today we are gathered here to celebrate the National Education Day. As you remember, I am celebrate this day, birthday celebration of Maulana Abul Kalam Azad, who was the first education minister of independent India and main architecture of education system of India. Coming to the topic, importance of education. Education is important for having awareness for all everything in life and it is a basic right for every human being education system is very advanced in urban areas for people who have good income source and it still needs to be improved in rural areas as well as people who are under the below poverty line education helps people to become better civilized better citizens and education with help of education we can get better job the main purpose of education not to get a job if the main purpose of education get a job then there will be only servant in the society the main purpose of education is knowing difference between good or bad and main purpose of education acquiring knowledge and With help of education, we can grow and develop. Thus, we are able to
thus we are able to show better society, and better opportunity to become better citizen. The knowing, respecting rights and laws and regulation, thanks to the principal sir, give me this opportunity. Thank you. मैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को अपनी कुछ यादों से मिलाना चाहती हूँ। सुनिए, देखिए, उम्रों की नक्शे कदम महात्मा गांधी से मसरूफ गुफ्तगू करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ तबादला ख्याल करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात करते हुए सरहद गांधी खान के साथ डॉक्टर राधा कृष्णन के साथ बैरिस्टर आसिफ अली और अरुणा आसिफ अली के हमरा ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी की मीटिंग खान अब्दुल गफ्फार खान मौलाना आजाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य शिमला कॉन्फ्रेंस जुलाई 1945 सदर कॉन्फ्रेंस मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिमला में होटल में मौलाना आजाद बहसियत सदर कॉन्फ्रेंस वाइसराय गुल रात प्लीज बॉयस अलेक्जेंडर सर महात्मा गांधी की चिता पर January 1948 महात्मा गांधी की आखिरी रुसों की अदायगी में मुआवजे पर राजकुमारी अमृत और लीडर और लॉर्ड मॉन्टबेटन और चीनी सफीद लोचेयर के साथ असेंबली में सेशन में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस और कलकत्ता में तकारी इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कॉर्पोरेशन यूनेस्को की इफ्तिताह के इजलास में हिंदुस्तान और दूसरे यूरोपीय ममालिक के लाइफगार्डी दौरे में वापसी पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सदर ग्रीनिस के ग्रीन को खुशामदीद करते हुए के सारे फोटोज कलेक्ट किए नियरली 50 फोटोज तक और पीपीटी बनाई है आपके सामने फोटोज के जरिए भी मौलाना आजाद की अहमियत को वाजे करते हुए ये फाइनल ईयर से गाजिया ने बहुत खूबसूरत मुजाहरा किया है और टेक्निकल सेशन निकाले।
मैडम नेक्स्ट बस अब इल्म फन के वो
में ये है कर के तालीम की सब सजाएं, ये है कर के तालीम की सब सजाएं, वो काश भी गफलत से बाद अपनी आए बने हम खाने कमाने के काबिल, जमाने में हो मुंह दिखाने के काबिल, तमद्दन की मजलिस में आने के काबिल, अदाब आदमियत का पाने के काबिल, समझने लगे अपने सपने को बदलो, समझने लगे अपने सपने को बदलो, लगे करने आप अपनी अपनी मदद हो, ये डर के तालीम की सब सजाएं, ये डर के तालीम की सब सजाएं, वो काश अपनी गफलत से बात अपनी आए, करो कद्र उनकी हुनर जिन में पाओ, तरक्की की और उनको रुतबत दिलाओ, दिल और हौसले उनके मिलकर बढ़ाओ, सुतो इस खंडहर के ऐसे बनाओ, कोई कौम की जिनसे खिदमत बनाए, बिठाए उन्हीं सर पे अपने बनाए, ये दर के तालीम की सब सजाएं, ये दर के तालीम की सब सजाएं, वो काश भी गफलत से बाज अपनी आए, वो काश भी गफलत से बाज अपनी आए, జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాది, జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాది, సంసార సాగరం నాది సన్యాసం శూన్యం నాది, జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాది, కవినై కవిననై భార్యనై భర్తనై, కవినై కవితనై భార్యనై భర్తనై, మల్లెల దారిలో మంచు ఎడారిలో, మల్లెల దారిలో మంచు ఎడారిలో, పన్నీటి జయ గీతాల పన్నీటి జలపాతాల, నాతో నేను అనుగమిస్తూ నాతో నేనే రమిస్తూ, ఒంటరినై అనవరతం కంటున్నాను నిరంతరం, కలల్ని కథల్ని మాటల్ని పాటల్ని రంగుల్ని రంగవల్లుల్ని కావ్య కన్నీర్ని ఆడపిల్లల్ని, జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాది. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి కళాశాల రథసారథి
Dr. Mohammad Aslam, President of Congress, Mari Ayesha Meda, Mana Abul Kalam Rupen, Mana Vijayarji, Mirka Munduna Sajar Vishlad, Mirka Munduna Premier and Vijayarjalara, Andar Kuda, Irodo, Maulana, Abul Kalam, Jayanti Sundarbanga, విద్యా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అయితే జీవితంలో మనం తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది, విద్య లేని వాడు విద్య పశు అని. భారతీయ విద్యా వ్యవస్థలో నిర్విరామ కృషి చేసి ఈనాడు ఒక మన భారతదేశం కూడా ప్రగతి పదంలో ముందుకు వెళ్ళడానికి శ్రమించినటువంటి మహనీయుడు ఆ వ్యక్తి. అందుకోసమే మనం నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ దినోత్సవంగా మనం జరుపుకుంటున్నాం. కాబట్టి అతడు చూపించినటువంటి మార్గంలో మనందరం ప్రయాణించి మీరు ఉన్నత శిఖరాలని అధిరోహించాలని కోరుకుంటున్నాను. రే ఎడ్యుకేషన్ వల్ల మీకు చాలా లాభాలున్నాయి, మీకు తెలుసు ఏమున్నాయి? 5, 4, 3, 2, 1 ఇవి వస్తాయి. 5 అంటే 5 అంకెల జీతం వస్తుంది. అంటే ఎంత? 1,00,000 పైన. 4 అంటే 4,00,000 వస్తుంది. 3 అంటే 3 బెడ్రూమ్ ఉంటుంది. 2 అంటే మంచి ఇద్దరు పిల్లలు దొరుకుతారు. 1 అంటే మంచి భార్య కూడా దొరుకుతుంది. కాబట్టి బాగా చదువుకొని జీవితంలో ఈ 5, 4, 3, 2, 1 సాధించాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం పెద్దలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ విరమిస్తున్నాను. జై హింద్. గులాబీ कब पैदा हुआ, क्या करे हम, क्या नहीं करे, हम यही बात कर रहे. वी आर नॉट कनेक्टिंग द प्रेजेंट सोसाइटी. वेरी इंपॉर्टेंट. तुम इतना अच्छा मैसेज दिए हमको लाइफ में, हमारे लिए वो मैसेज हम नहीं जानकारी करता है. आई एम वेरी हैप्पी टू सी यंग आजाद गुड कॉस्ट्यूम, गुड पोस्चर and presentation. One word he told in his words, Abul Kalam Azad, Achyavad Varam, I wrote for you, education imparted by heart can bring a revolution in society. This person goes to the faculty, teachers. But Kavalame, education imparted by heart can bring a revolution in society. Same time, education, learning by heart will be revolution society. 1947 se pehle, please concentrate on me, on my words, words for you, not for me. 1947 se pehle, ek achcha baat hua tha. What was the fight actually? The fight for two revolutions, if I am not correct this currently. One is revolution for freedom. Right? Another revolution for societal change. Society or social revolution. Humans in world are equal, more particularly in India. Azadi mil gaya, ek freedom revolution ho gaya, we got freedom. The message of war. बाकी तो जो था
दैट इज सोशल रिवोल्यूशन. आज हम लोग फेस कर रहे हैं आज के दिन प्रॉब्लमेटिक सोसाइटी में हम लोग बिलीव डर नॉट वी ऑल मेयर हैदराबाद वी डोंट नो मच अबाउट थिंग्स व्हाट्स हैपनिंग इन द सोसाइटी पर्टिकुलरली मोर इन इंडिया. उनके फर्स्ट वर्ड क्या था अब्दुल कलाम आजाद का फर्स्ट ओनली फर्स्ट रेफरेंस ही हैज टेकन हिज लाइफ एंड ही मूव ही कुड मेक सक्सेस हिज लाइफ इन इंडिया ऑल्सो. दैट इज एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू एजुकेशन. इंडिया में हर होम का आदमी हर प्लेस का हर रिलीजन का हर कास्ट का वुमेन मेन जेंडर वाइज कोई भी लोग सबको पढ़े आना चाहिए. क्यों पढ़े आना चाहिए वाइफ इंडिया हमको मिल गया फ्रीडम मिल गया. फ्रीडम का जो फ्रूट्स होते ना मे बी इकोनॉमिक फ्रूट्स सोशल फ्रूट्स ह्यूमन राइट्स फ्रूट्स जो भी है वो हम हासिल करना है. तो हमको क्या चाहिए विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट हैव द फ्रूट्स ऑफ इंडिपेंडेंस और फ्रूट्स ऑफ फ्रीडम इंडिया. बट विदाउट एजुकेशन इफ वी गो इन आवर लाइफ वी आर बिकम ए फेलियर सोसाइटी. हम बोलते कि हम बीएससी आ गए बी कॉम आ गया बी ए आ गया सेपरेट मिला साथ होते हैं. आई बिलीव दैट यू गेट ओनली आर्स यू गेट ओनली आर्स only paper. This morning we had a good talk with principal. वो बोले कि हम बोले principal का भी एक अच्छा काम था. हमारे कॉलेज से 6 PG admissions specially central universities मिला. Out of 53 or 56 PG other colleges and B.Ed admissions. कितने जने pass out हो रहे कितने जने pass out हो रहे कितने successful है एम्प्लॉयमेंट कितने जन लोग काम करने के लिए सही काम करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं. हायर एजुकेशन एंड फ्यूचर स्टडीज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बोला ना अब्दुल कलाम आजाद ही नॉट ओनली कंसिडर एजुकेशन तो बोल रहे एजुकेशन बात कर रहे हैं. ही हैज स्टार्टेड यूजीसी हम जो पढ़े कर रहे हैं यूजर डिसिप्लिनरी कमीशन ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन CSIR Council of Scientific Industrial Research ये पूरा उन्होंने स्टार्ट किया. एंड हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में ही हैज स्टार्टेड फिजिकल एजुकेशन कोर्सेस आल्सो बिकॉज़ ही कंसंट्रेटेड ऑन माइंड एंड बॉडी नॉट ओनली माइंड बॉडी शुड हैव हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी हेल्थ ऑफ सक्सेस होते अदरवाइज वी विल एब्सेंट इन वन एरिया. नंबर 2 थॉट वर्ड एंड डीड three are integrated thought word and action or deed what you call ye teen link nahi hai to our education dena aur aisa education lena chahiye. we need to have ethical valued education ethics ke aans shuru hona sochne ka zabaan pe ethical value rehna uske baad ethically action lena chahiye. zairabad college friends bahar gaye to ethically they should be good in thought ethically good in word zaban sahi hona chahiye language acha hona chahiye prem se hona chahiye and deeds may be in your action in college after college after this course and in your life. sab ye socha hona chahiye ye teen process karne ke liye value education milna chahiye sare india mein. अगर वैल्यूएशन देने में हम फेल हो गए पढ़ने में या लर्निंग करने में आप फेल हो गए बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन इंडिया में है. जो यूजीसी चालू हमारे इंडिया में आज चेंजेस होते जा रहे हैं. सो रिच पीपल आर गोइंग टू लर्न मोर फैकल्टीज एंड पुअर पीपल आर गोइंग टू बिकम नॉर्मल कंडीशन कोर्सेस. अब स्पेशल कोर्स करना है तो यू नीड मोर मनी राइट और नॉट. आप यहाँ जो कोर्स कर रहे हैं बीएससी में जो कोर्स कर रहे हैं यू डोंट हैव माइक्रोबायोलॉजी यू डोंट हैव बायोकेमिस्ट्री इफ यू वांट टू लर्न दैट विल स्पेशल कोर्स उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. अब्दुल कलाम आजाद ये नहीं सोचे उन्होंने बोले सभी के लिए सेम स्टैंडर्ड नहीं है सभी के लिए अच्छी लर्निंग होना चाहिए. मैं चाहता हूं कि वी नीड टू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अब्दुल कलाम आजाद 11 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
He born on 11th. Right? He spent 11 years in jail for whole future India. And he served as an education minister for 11 years. Thank you so much. मैं डॉक्टर आयशा बेगम आप सबके सामने मुखातिब हूँ। जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी साहब प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल रविंद्र रेड्डी साहब और हमारे आज के मौलाना अबुल कलाम आजाद को हमारे मिला है ये एजाज के लिए मुबारक अरबाज को और फिर हमारे कॉलेज के दीगर असातिज़ा शकुंतला मैडम किरणमयी मैडम डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब विद्यासागर साहब और तमाम लेक्चरर्स अस्सलाम वालेकुम। देखिए आप लोग जब से हम लोग यौम तालीम यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में सुन रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो बहुत सारे तालीमी वजीर तालीम होने के बाद तालीमी बहुत सारे तालीमी तब्दीलियां लाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी से मुतारफ किया और उन्होंने कई इंडियन इंस्टीट्यूट कायम की। IIT इंस्टीट्यूट जो है ना हमारे पास अभी ये तस्वीर किसने दिया मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वो कहा करते थे खड़गपुर में जो एक सेशन था उसमें उन्होंने एक इजलास में खिताब करते हुए कहा था कि लोग जो है ना आला तालीम के लिए बाहर मालिक हो जाते हैं। मैं ये जानता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे आला तालीम ऐसे इंस्टीट्यूट कायम किए जाए जहाँ पर बाहर के लोग आकर तालीम हासिल करें हमारे बच्चों के साथ साथ बाहर के बच्चे आकर तालीम हासिल करें। तो हमारे पास IITs हैं देखिए IIITs हैं ये सब किसका तस्वुर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। और जैसा कि सारे बताए UGC जो हमारा कॉलेज अफिलियटेड है UGC से हमारा कॉलेज है UGC नाम से तो अभी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही UGC को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन उसका फुल फॉर्म है उन्होंने कायम किया। और फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या कहते हैं कि हम अपने लिए ना जिए बल्कि समाज के लिए जिए। क्या कहते हैं कि जो अपने लिए जीता है वह क्या है जिंदा लाश है समाज के लिए कौम के लिए जिंदा लाश। तो हमको क्या करना है समाज के लिए करना है समाज के लिए सोचना है। और तालीमी पॉलिसी के बारे में देखिए हुकूमत ने क्या किया है 86वीं तरमीम जैसा कि नाजिया ने अपनी तकरीर में बताया 86वीं तरमीम के जरिए से हिंदुस्तान में हमारे कानून में क्या किया गया राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी तालीमी पॉलिसी 86वीं तरमीम के जरिए से ये तालीम फ्री मुफ्त तालीम तालीम लागू की गई। कब से हुकूमत को ये जिम्मेदारी हुकूमत ने 4 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त तालीम प्रारंभ करना कानूनी तौर पर यह नाफिज किया गया। तो ये 21 राइट टू एजुकेशन कौन सा एक्ट है ये 21 ए एक्ट है याद रखिए आप लोगों को मालूम होना 2009 में आया था अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में 2009 में ये कानून आया था इसमें तरमीम की गई थी 86वीं अमेंडमेंट के बाद 86वीं तरमीम के बाद। और शायद मेरा अच्छा ख्याल है ये मैं कहीं पढ़ी थी कि इसमें और इजाफा होने वाला है 5 साल से 14 साल की उम्र है ना उसमें और इजाफा होने वाला है शायद ग्रेजुएशन तक के लिए मुफ्त तालीम लाजमी तालीम मुफ्त तालीम लाजमी तालीम का तस्वुर आएगा कंपल्सरी और कंपल्सरी एजुकेशन राइट एजुकेशन कंपल्सरी। बेहद शुक्रिया कि मुझे मौका दिया गया कि वो एक ऐसे अदीब थे एक ऐसे मुखारिब थे एक ऐसे खतीब थे जिनकी मिसाल दुनिया आज तक नहीं दे सकती है ना। ये कहते हैं ना शायर क्या कहते हैं लम्हा इकबाल हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन पे दीद अमर पैदा। बेहद शुक्रिया कि मुझे मौका दिया। Respected Principal Sir, Vice Principal Sir, Aisha Madam, हमारे रिप्लिका आजाद डॉक्टर विद्यासागर साहब
किरण माई मैडम, शकुंतला मैडम, डॉक्टर पी सुरेंद्र रेड्डी गारु, अंग्रेजी में कल भी परसों ये बात आई थी कि कहावत है ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस विद द डायलॉग। इसका तर्जुमा यह है कि तब्दीली मकालमे से शुरू होती है। और एक और कहावत है कि ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस विद अ सिंगल कन्वर्सेशन, तब्दीली एक ही बातचीत से शुरू होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो मुकालमे हमारे सामने हुए हैं तो तब्दीली जरूर आनी चाहिए। और जो तालीमी इंकलाब मौलाना आजाद ने देखा था वो आपको आपको पूरा करना है जी, आपको पूरा करना है। और आपकी ताबीरें अभी देखनी बाकी, वो मुस्तकबिल का हिंदुस्तान जिन्होंने आइडियल्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, अभी आपने विद्यासागर साहब को सुना कि 11 साल जेल में रहे, इज इट ट्रू सर? तो ये 11 साल किसके लिए रहे? अपने ओहदे के लिए तो नहीं रहे जी, आपके लिए रहे जी। ये इसलिए रहे थे कि आपका मुस्तकबिल बन जाए, मुल्क का मुस्तकबिल बन जाए, मुल्क के मुस्तकबिल बन जाए, सिस्टम सही बन जाए। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी बातें आपके सामने आई थी, हमारे पास कॉलेज में अजीब रिवाज है कि हम या तो नोट्स लिखाते नहीं है या फिर नोट्स लिखने का मिजाज आपका नहीं है। बस आज इतनी अहम अहम बातें आपके सामने आई, बात बच्चों ने इतनी अच्छी बातें भी कही कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी नोट्स बना लूं, लेकिन मेरी भी कम हिम्मति की वजह से नहीं बना सका। बहरहाल एक लतीफा आपके सामने बोलकर अवसर होगा, क्योंकि कई लोग सो रहे हैं और बाद लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कोशिश कर रहे हैं वो जबरदस्ती बाद वालों को सुला भी रहे हैं। आबादी की वजह से मैं समझता हूँ आधे लोग जाते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर रविंद्र जी साहब स्वागत है। Good afternoon, everybody. I wish you a happy Christian Day. So on this occasion, we have gathered here to celebrate our honorable principal sir and our esteemed colleagues and my dear students. So today is 11 November 2022, right? Yes. So this day is every year observed as National Education Day on the occasion of the birthday of our Maulana Abul Kalam Azad ji, jinhone apna desh ki pratham Taleem Mantri the and Education Minister rahe, right? And we have one more. The dummy person is also here. Really very fantastic. Very nice. He is here with the grandson, I think. Almost like Abul Kalam Azad. Very good appearance. Really appreciate the person who is here at this. To appear like a same person, I am sure he spoke very well like Abul Kalam Azad. Because we have not heard his voice, but his voice is nice to hear. So I congratulate him. And this day also I told, if you remember four numbers,
like your 9 double 4, 3 0 3 8, like that. You can remember 3 2 5 and 8 8. 4 8s. 3 5 ones and 4 8s. 3 8s, sorry. If you can remember 5 ones, 3 8s, you will remember always the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad. Remember, note down, you can note down the 5 ones and 3 8s. That is 11th November 1888. Okay? 5 ones and 3 8s. Okay, like a fancy number, you will go over, buy the fancy number, a mobile number, paying some money. You need not to pay any money for that. You remember that day. Okay. So, most of you have covered all the everything about that. Just I want to say a few words in 3 minutes. What is the Indian system now? How the India, our state is facing the problem? Just I will complete in 3 minutes, which are not covered by our colleagues or students. Main thing is, the budget allocated for education system, education in India is very low. Every year it is decreasing year by year. That is a very important point to be noted, because our government, whether it is state government or central government, is not spending that much of amount required for the development of education, public sector in public sector institutions, or anything is not being developed because of the not releasing sufficient fund for the development of education. That we should note, because our previous people, who ruled our government in the, from the time of the independence, they have very good idea, very good vision to develop the country into different already discussed about the IITs, UGC, so many have established. But UGC is not getting a single, giving single paisa to institution now after the end of this 5 year pass. So that is very important for us. So sufficient amount to be released to develop the education system. One man said that if you want to destabilize the country, अगर देश को सर्वनाश करना है तो इसके देश के ऊपर बांध डालने का जरूरत नहीं है, इसका क्वालिटी कम करो, बस सर्वनाश हो जाए. सो इफ यू कैन रिड्यूस द क्वालिटी, द टोटल एंटायर सिस्टम विल कोलैप्स. सो दैट वी रिमेंबर, दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव वेरी गुड फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट्स, द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. सो एक्चुअली द गवर्नमेंट, दैट इज द पटारी कमीशन, अदर कमीशन रिकमेंडेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ 6% जीडीपी फॉर एजुकेशन department, education sector. That is the main motto. But now government is releasing only 3% of the GDP. Only 3% is giving. So that should increase to enhance and to develop the education institutions or education in all the communities, all the areas of the country. That very, very important to note. And also, the technology has developed much, but to avail the technology, everyone should have internet facility, laptops or computers, or mobile phones. There are about 37% of the world population not using internet. 37% is still not using internet services in the world. Or India also same, almost same ratio. That should also increase to reach this technology to each and local corner of the area. Every person should get. Then only knowledge will be grown. You can prepare your own and you can develop the family, you can develop the community, you can develop the state or country. That is also very important. So Maulana Azad के नाम पर एक यूनिवर्सिटी इज एस्टैब्लिश्ड इन 1998 इन कोलकाता एंड कल्याणी, दैट इज कॉल्ड मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन कोलकाता नियर कोलकाता कल्याणी. सो दैट इज देयर. एंड ऑल्सो वी हैव अनमोल यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद, मौलाना आजाद मनु, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इज देयर ओनली फॉर प्योरली फॉर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स एंड अदर ऑल्सो. So they will all in the university and study well. So the fruits should go to each and every person. There is no discrimination of gender, no discrimination of region or religion. Everyone is equal. So make use of the facilities. We hope the government will give more funds and develop more. And thank you, Mananda, for giving the opportunity. Thank you very much. खाबी रूह जफेदार होती है जवानों में, नजर आती हमको अपनी मंजिल आसमानों में. शेर आप लोगों के लिए था. उसके बाद में हमारे कॉलेज के कार्डियोलॉजिस्ट प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी साहब को दावत सुखन देते हैं कि वो आए और अपने सदारत दें खिताब से नाम. आज हम लोग कौमी योम तालीम नेशनल एजुकेशन डे मना रहे हैं.
जी, आज 11 नवंबर 2022 हम मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना आजाद के यौम पैदाइश पर हुकूमत की जानिब से जो यौम होम तालीम मुकर्रर किया गया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद में अपना कीमती वक्त लगाकर बहुत सारे प्रोग्रामों के साथ, थोड़ी सी ये फिक्र करना है कि मौलाना आजाद को अल्लाह ने जो 70 साल की जिंदगी दी थी उसमें उन्होंने इनफरादी और इज्तमाही कई कारनामे ऐसे अंजाम दिए कि आज न सिर्फ जहीराबाद में तेलंगाना में बल्कि सारे हिंदुस्तान और सारी दुनिया में उनकी याद मनाई जाती। तो मेरी जो तकरीर है इसमें हम उनकी जिंदगी से हम क्या सबक हासिल कर सकते हैं और हम मौलाना आजाद या उन जैसी शख्सियत बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी हमारे अंदर फिक्र पैदा होना चाहिए। बहुत सारे प्रोग्राम हम सुन रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं कि प्रोग्रामों को कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हमारे ही कॉलेज में 800 स्टूडेंट में 10, 15, 20, 25 कुछ स्टूडेंट आगे आ रहे हैं और अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। तो ये आपके लिए सवालिया निशान है कि जो लोग इस स्टेज पर नहीं आए हैं अगली बार वो ऑडियंस में रहने के बजाय स्टेज पे आने की फिक्र करें। सबको मौका मिलना चाहिए और सबके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा होना चाहिए। तो मौलाना आजाद के नाम से मैं शुरू करता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका अच्छा नाम रखा जाता है। आज हमारे कल्चर यह होगा कि सीरियल में जो नाम आ रहा है वो रखते हैं, नाम के मीनिंग देके जाने चाहिए। तो मौलाना आजाद के वालिद ने उनका जो खैरुद्दीन जो उनके वालिद साहब थे बेटे का नाम मोहियुद्दीन अहमद रखा। मोहियुद्दीन के माने हैं दीन को जिंदा करने वाला। अच्छा नाम रखना चाहिए, नाम का असर जिंदगी में पड़ता है। अहमद कहते हैं जिसकी तारीफ की जाती है, आज सारी दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है। उनके वालिद ने अच्छा नाम रखा। फिर बाद में उनका नाम हुआ अबुल कलाम। अबू कहते हैं फादर को, कलाम कहते हैं बाप का। ऐसा आदमी जिसको बाप पर कुदरत हासिल हो। तो अबुल कलाम आजाद की जिंदगी में देखिए कि बड़ी अच्छी तकरीर करते थे। आज भी उनकी तकरीर यूट्यूब पे है जो उन्होंने की थी हिंदुस्तान। तो नाम का असर होता है। आजाद जैसे कहा कि गुलाम मुल्क में रहना नहीं चाहते थे, आजादी चाहते थे। तो हमको चाहिए कि बच्चों के अच्छे नाम रखें। मौलाना आजाद की बिस्मिल्लाह हुई दीनी तालीम के साथ, कुरान की तालीम के साथ। और बचपन में उनके वालिद ने उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया। घर में बच्चों की तालीम आज भी होना चाहिए। आज हमारा कल्चर क्या है, रात में 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक घर में 5-6 कमरे हैं, 4 कमरों में 4 बच्चे हैं, माँ बाप सबके हाथ में स्मार्टफोन है। रात में घर टेबल पे जो भी हम दस्तखान बिछा के खाना खाते कोई भी मिलके खाना नहीं खाते। एक खातून जो है दानिश्वर से पूछी कि बच्चों को वाईफाई से निकाल के टेबल पे लाने का तरीका क्या है, तो दानिश्वर ने कहा कि वाईफाई का स्विच ऑफ कर दिया। तो आज हम मिल बैठ के खाना नहीं खा रहे और ना ही तालीम हो रही। घर में माओं की जिम्मेदारी है कि बच्चों की तरबियत करे। देखिए 9 साल की उम्र में उनके वालिद ने उनकी तालीम खुद दी थी। उस जमाने में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं थे, तालीमी इदारे जैसे आप डिग्री कॉलेज में, लेकिन मौलाना आजाद ने मुताले के जरिए तालीम हासिल की। तो एजुकेशन के साथ हमको रीडिंग हैबिट हमारी क्या है। मौलाना आजाद को अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आती थी। अंग्रेजी में इंडिया विंस फ्रीडम के नाम से भी उन्होंने तो लिखे थे, अल्फाज लिखे थे बहुत सारे। और सर सर वो जो 30 साल के बाद जो उनके हुदूद खोले गए थे, क्या नाम था उनका, वही है जी। तो उनके जो लेटर लिखे गए थे 30 साल के बाद खोले गए, तो पता चला कि मुताले से हमारी काबिलियत बढ़। मौलाना आजाद ने किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल नहीं की, लेकिन हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर बने। अब तुम लोग भी सोचे कि मुझे भी एजुकेशन मिनिस्टर बनना है, तो जीडीसी जहीराबाद में नहीं पढ़ना चाहिए, गलत ख्याल है। आप पढ़ के बनना चाहिए, उस जमाने में इदारा नहीं था। देखिए 12 साल की उम्र में वो एक रिसाले के एडिटर थे। तो आज आप लोग कॉलेज में हैं, हम आपको तालीम का मौका फराहम कर रहे हैं। आपके अंदर लिखने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत जो भी है, तो आप भी कॉलेज के मैगजीन के एडिटर बन सकते हैं। आप अपना पर्सनल ब्लॉग बनाइए, उसके अंदर जो कुछ आपके ख्याल है लिखिए उसको, और आपके अंदर भी वो सिफात पैदा कीजिए। मौलाना आजाद 12 साल की उम्र में पैदा, 35 साल की उम्र में कांग्रेस के सदर बने थे। अब आप लोगों की उम्र और 35 साल तक क्या करने वाले हैं, तो हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। हमारे समाज में, घर में मसला है, कॉलेज में मसला है,
जहीराबाद में मसला है, तेलंगाना में मसला है, प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एज ए लीडर आप क्या कर सकते, वो सलाहियत आपके अंदर आना है जो मौलाना आजाद ने। फिर उन्होंने जो है हिंदुस्तान के हालात का जायजा लिया, गांधी जी का साथ दिया, हिंदुस्तान की आजादी हासिल की, और जो कहा गया है कि जेल के अंदर उनकी जो जिंदगी थी, देखिए वक्त बहुत कीमती होता है, मौलाना आजाद की जिंदगी से आपको सीखना है, जेल में इंसान को दुनिया से कट कर दिया जाता, ना उनको रेडियो होता था उस जमाने के हिसाब से, ना अखबार मिलता था, बड़े लीडर को सजा देना है तो उसको कैद कर दिया जाता, उसके बाद दूसरों तक नहीं पहुंचना, दूसरों के बातें उस तक नहीं आना। उस वक्त मौलाना आजाद सुबह 4 बजे उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ के अपने हाथ से चाय बनाते थे, जो सेकंड ईयर में लेसन है आपका चाय नौशी के, उसके अंदर जिक्र है कि वो चाय भी बात कुछ लिखते थे, तो हम भी सोने के बाद जब हमारा जहन ताजा होता है तो कुछ न कुछ पढ़ने लिखने का काम करता थे। उन्होंने अपने दोस्त हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम पे कई खत लिखे जो पोस्ट नहीं हुए थे, खत लिखते थे वही रहते थे। उन खतूत में उन्होंने जिंदगी के बारे में बहुत अच्छा फलसफा पेश किया, जो इंसान खुश और खुर्रम रहता है उसने कामयाब जिंदगी गुजारी, इस दुनिया में जहाँ गम है परेशानी है खुशी से और सुकून से जिंदगी गुजारना कमाल है उनके खतों में मिलता है। तो उनके खत बाद में गुब्बार खातिर के नाम से शायर है जो आपके स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग मौलाना आजाद के खत पढ़िए और लिखने की कोशिश की कि वो खतों में कैसा लिखते थे और हम कैसे लिखते हैं। बहरहाल जो है मौलाना आजाद जो है हिंदुस्तान की तालीमी ढांचे के मेहमान है, एक इंसान का विजन होना था, दूर तक हमको सोचना था। आज इंडिया के 75 ईयर्स हम मनाए, हिंदुस्तान जो है हमारे ही कॉलेज के तालिबा जो है 100 साल में हिंदुस्तान कैसा होगा ये उन्होंने ख्वाब की शक्ल में मजमून लिखा, तो गवर्नर की तरफ से उनको इनाम मिला। तो आज आप लोग डिग्री कॉलेज जहीराबाद में है, न सिर्फ आप घर के जिम्मेदार हैं, जहीराबाद के जिम्मेदार हैं, तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान के जिम्मेदार हैं। अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा कीजिए और ऐसा कुछ काम कीजिए कि दुनिया आपको याद रखे। देखिए मेडिसिन की दुनिया में कई दवाएं बनने का और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की हम जो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं कोई और हमको बना के दी, इस पे हम और क्या तब्दीलियां ला सकते। देखिए आजकल का मार्केट डिमांड चेंज हो गया, ये जो पत्रा के नाम से शायद पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साहब है तो वो बोल रहे हैं कि अब आपकी बीए बीकॉम की डिग्रियों से आपको नौकरी नहीं मिल सकती, आपको ऐसा कुछ करना होगा कि जमाना आपकी सदर करे आपकी तनख्वाह अच्छी। तो मार्केट में देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप प्ले स्टोर में या आपके जो अमेजन में कोई एक परचेज करने के लिए कोई आइटम तलाश कर, तो इंटरनेट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी रिक्वायरमेंट को चेक करती है, आप जो भी पेज पे सर्चिंग कर रहे हैं वहां पर उसका ऐड आया। इसका मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना अहम हो गया है कि हम जो सोच रहे हैं कंप्यूटर उसको पढ़ना, तो इसमें कई नौकरियां हैं। इसके अलावा मार्केटिंग के एतबार से भी कई नौकरियां हैं, हम एक पर्सन के तौर पर भी खुद कफील हो सकते हैं और ना सिर्फ अपना बल्कि अपने घर का भी हम जो है कफालत कर सकते हैं और पढ़ते हुए भी तालीम हासिल। कल की ही बात है, हम लोगों ने फेसबुक पे इसका जिक्र किया है कि तारा डिग्री कॉलेज संगारेड्डी में एक लड़की है जिसके माँ बाप नहीं है, भाई है, वालदा है, और उनको तालीमी अखराजात की जरूरत थी, तो लड़की जो है जॉब करना चाहती, तो उसको जो है वर्क फ्रॉम होम का एक जॉब ऑफर आया, उसके लिए उसे एक लैपटॉप की जरूरत थी। तो लड़की हमारे जो हिंदी के सारे राजेंद्र सर को बोली के साथ मुझे एक लैपटॉप दिलाइए डोनेशन के तौर पर। तो राजेंद्र सर मुझसे बोले कि सर ये लड़की है जो जॉब करना चाह रही तो उसको लैपटॉप की जरूरत है, हम क्या कर सकते। तो मैंने अपने वसाइल अख्तियार किए, यहाँ जहीराबाद में मौलाना आतिफ कासमी साहब से बात किया, हैदराबाद में सफा बैतुल माल के नाम से आप इंटरनेट पे देखिए एक इदारा है जो लोगों की मदद कर रहा है बड़े पैमाने। हमने मौलाना गयास अहमद रशादी से कहा कि इस लड़की की मदद के लिए उसको लैपटॉप की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि लड़की का एप्लीकेशन आधार कार्ड और उनके बोनाफाइड के जरिए से व्हाट्सएप के जरिए, लड़की को आने की जरूरत नहीं है, हम तक वो एप्लीकेशन भिजाइए, वो एप्लीकेशन भेजे और उसके बाद जो है वो लड़की को 8 दिन के अंदर लैपटॉप फराहम किया गया जॉब करने के लिए। तो पता चला कि हमारे अंदर कुछ तलब है तो दुनिया में वसायल है। तो ये जो लड़कियां यहाँ बैठे हुए, ये जो लड़के बैठे हैं, ये मौलाना आजाद के योम पैदाइश के लिए हम जो कौमी तालीम का दिन मना रहे, एक फिक्र होना कि मौलाना आजाद गरीबी में रहते हुए हिंदुस्तान के वजीर तालीम बन के और हमको आज आजादी और तालीम का जो ढांचा फराहम किया, तो हम बहसियत फर्द और गवर्नमेंट लीगल जहीराबाद के स्टूडेंट थे, हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए।
इसके लिए हमारे पास कीमती असातिज़ा डॉक्टर गौस साहब है, विद्या सागर साहब लाइब्रेरी इल्म का समंदर है और दीगर असातिज़ा है, हम लोग भी हैं। तो आप अपने